परमैन सबका रक्षक। देखो कैसे परमैन बाढ़ में फंसी लड़की को बचा रहा है और इसमें स्कूल के बच्चों को मुसीबत से बचा रहा है। मेरे पास परमैन जितने काम करता है उन सब की फोटोज हैं। देखो इसमें वो सब्जी ला रहा है। वो होम डिलीवरी करता है। परमैन है या कोई डिलीवरी वाला? पर तुम उसकी फोटो कैसे लेते हो? इससे लेता हूँ। ओह, तुम इस कैमरे वाली दूरबीन से लेते हो, क्या बात है। तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है मिहारू। मैं तो परमैन की फोटोज पहले दिन से ही लेता आ रहा हूँ क्योंकि मैं उसका पीछा करता था और यही तो मेरी हॉबी है। शायद ये लंबी लंबी फेंक रहा है। क्या इन फोटोज को देखकर तुम्हें परमैन के बारे में पता नहीं चलता? क्या पता नहीं चलता? बोलो ना, वो क्या बात है? सब समझाना पड़ता है। क्या उसके बिहेवियर में तुमने ऐसा कुछ नहीं देखा जिसकी वजह से तुम्हें उस पर शक हो? मेरी पोल खोल देगा। वो क्या हो सकता है? मैं ही बता देता हूँ। परमैन असल में, धीरे से बोलो, कोई सुन लेगा। यानी मित्रो तुम्हें भी पता नहीं है लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि परमैन असल में मदद करता है। तुम्हारा मुंह बंद करो। वो लड़कियों की ज्यादा हेल्प करता है। मुझे तो लगता है कि मिहारू झूठ बोल रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखो वो झूठ कह रहा था क्योंकि परमैन लड़का हो या लड़की सबकी मदद करता है और अगर इस बात में सच्चाई है तो वो मुझे नहीं मिचिको को अपना दोस्त बनाता। मुझे वो अच्छे से याद है जब तूफान की वजह से फुटबॉल कोर्ट खराब हो गया था तब। क्या हुआ दोस्तों? मेरा गोल नेट ठीक कर दो प्लीज। परमैन, परमैन है साथ, तो डरने की क्या बात। मिचिको बुला रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे तब शायद मिचिको वाकई प्रॉब्लम में होगी इसीलिए वो गया होगा। तुम परमैन की तरफदारी क्यों कर रहे हो? इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं और मिचिको की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम, यानी हम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है। अब मुझे लगता है कि वो बात सच है। एक बात बताओ मित्सुओ, क्या परमैन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि परमैन तुम्हारे घर आता जाता रहता है, इसलिए आगे से उससे बचकर रहना मित्सुओ। देखो हंसना बंद करो, बहुत हो गई बेइज्जती। क्या ये सच है? वैसे ये सुनकर मुझे थोड़ा शक हो रहा है। कैसा शक? यही कि तुम लड़कियों की ज्यादा मदद करते हो और ये तो मैं भी अच्छे से जानता हूँ। बस बहुत हुआ, मैं और नहीं सुन सकता। मैं मानता हूँ मित्सुओ होकर मैं उनके बारे में जरूर सोचता हूँ लेकिन परमैन बनकर मैं सच क्यों कर रहे हो? जाओ। एक बात तो सच है कि परमैन बहुत फेमस है और उसके बारे में कोई भी गलत अफवाह उसकी इज्जत का फालूदा आइसक्रीम कर सकती है। एक काम करता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? ये टेलीविजन चैनल पर ही फोन लगाया ना? जी हाँ, आपने सही जगह फोन लगाया है। वेलकम टू द क्वेश्चन राउंड। आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, तो बताइए आपका पहला सवाल क्या है? हे, मेरा सवाल आ गया। ठीक है, तो पहला सवाल है कि परमैन लड़कियों की ज्यादा मदद करता है या नहीं। तो चलिए हमारे एक्सपर्ट से सवाल का जवाब जानते हैं। हेलो दोस्तों, उम्मीद है मित्सुओ भी ये शो देख रहा होगा। मित्सुओ, तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए मुझे स्टैटिस्टिक्स पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो परमैन जितने भी लोगों की मदद करता है उनमें से लड़कों के मुकाबले लड़कियों का रेशियो ज्यादा है, मतलब एक लड़का और चार लड़कियाँ। इसका मतलब परमैन ने लड़कियों को लड़कों से ज्यादा बचाया है। अब ये बात साबित हो गई है कि परमैन लड़कियों की ज्यादा मदद करता है। आज के लिए इतना ही। हे दोस्तों, क्या कल तुम दोनों ने वो शो देखा? हाँ, वही हुआ जो सोचा था, इसीलिए मित्सुओ आज अकेले कोने में जाकर बैठा है। पता है, मैं परमैन के बारे में सबूत ढूंढ रहा था। लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है, सब साबित हो गया है। परमैन का पोल सबके सामने खोल गया। समझ नहीं आ रहा, सब परमैन को गलत क्यों समझ रहे हैं जबकि मैं हमेशा जो कोई भी मुसीबत में होता है उसे बचाने जाता हूँ। उन्हें शायद पता नहीं कि परमैन अपना काम ईमानदारी से करता है। अगर इतना सब करने के बाद भी वो सोचते हैं कि मैं लड़कियों की ही मदद करता हूँ तो आज के बाद किसी लड़की की मदद नहीं करूँगा। हाँ, तो ये तय रहा, आज के बाद मैं किसी भी लड़की की मदद करने नहीं जाऊँगा। अरे अब कौन है? हाँ बोलो, मैं परमैन बोल रहा हूँ, क्या बात है? अभी एक कंप्लेंट आई है कि गर्ल्स हॉस्टल में एक चोर घुस गया है। मुझे दूसरे मिशन पर जाना है, तुम जाकर उन्हें बचाओ। मैं इस वक्त किसी और मिशन में बिजी हूँ, नहीं जा सकता। मत जाओ, मैं ही जाकर चोर को पकड़ती हूँ। बाय। थैंक यू। हाँ बोलो, मैं परमैन बोल रहा हूँ। क्या कहा? तुम्हारे दोस्त की बिल्ली खो गई है और वो परेशान है, ये तो बहुत बुरा हुआ बूबी। तो अब मुझसे क्या चाहते हो?
तुम चाहते हो कि उस बिल्ली को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन बिल्ली मतलब एक लड़की, मतलब फिर से लड़की की मदद। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। हाँ बोलो, परमैन बोल रहा हूँ। एक कॉल सेंटर में आग लगी है, बहुत से लोग अंदर फंसे हैं, तुम जल्द से जल्द यहाँ पहुँचो। वहाँ तो सब लड़के ही काम करते होंगे, ये अच्छा मौका है, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। फिर किसी बचाने जा रहे हो? लड़कियों जैसे ताने तो तुम मार रहे हो। क्या अभी भी मुझे लड़की भूल के गया क्या? ये तुम क्या कह रहे हो पायान, अंदर एक भी आदमी नहीं है। आदमी औरत क्या फर्क पड़ता है? मुझे पड़ता है, मुझे लगा था यहाँ सिर्फ लड़के होंगे। लड़का हो या लड़की, हमारा काम है सबकी मदद करना, समझे? तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मैंने सोचा है कि अब से मैं सिर्फ लड़कों को बचाऊंगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, या ठीक करने के लिए बर्डमैन को बुलाओ। इसे कैसे समझाओ? अब मेरी बात सुनो, इस बिल्डिंग में 14 लोग फंसे हैं और उसमें से कुछ लड़कियां भी हैं। मैं पहले 3 रूम्स चेक कर चुका हूँ, लेकिन वो नहीं मिले, शायद 4th रूम में होंगे। चलो हम दोनों जाकर उन्हें बचाते हैं। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अगर तुम नहीं आना चाहते तो मत आओ, मैं अकेले जाकर उन्हें बचा सकता हूँ। नहीं नहीं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ पायन। अब की ना तुमने परमैन वाली बात। ये तो सब लड़कियां हैं, आप सब ठीक है ना? पायन, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हारी बात मान ली और सबको बचा लिया। एक बात हमेशा याद रखो, इंसान इंसान होता है और इंसानों में फर्क नहीं करना चाहिए। मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैं उल्टा सोचने लगा था। याद रखो, औरतों की इज्जत करनी चाहिए और उन्हें कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अच्छे इरादे से उन्हें बचाओगे तो ये बुरी बात नहीं होगी। लोगों की बातों का बुरा मत मानो, वो तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन हमें लेडीज को हमेशा पहले बचाना चाहिए। तुम प्रवचन बहुत अच्छा देते हो पायन बाबा। प्लीज बाबा मत कहो। दोस्तों तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं पाको, मैं परमैन को जिंदगी के ज्ञान दे रहा था, अब वो उन्हें समझकर अप्लाई भी करेगा। हाँ, ये परमैन कभी नहीं सुधर सकता, जब मुझे जरूरत थी तब उसने मुझे बिल्कुल मदद नहीं की। तुम्हें परमैन होने का कोई हक नहीं है, समझे? प्लीज मुझ पर चिल्लाओ मत, वरना रात को बुरे सपने आएंगे। क्या कहा? तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए थी। ये परमैन किसी काम का नहीं है, मुझसे बात मत करो। अरे मुझे माफ कर दो पाको। अब क्या करूं? पाको को मनाना आसान नहीं है, पर कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। चलो अब जाओ, उसे शांत करो। पाको, आई एम सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। देखो पाको, मैंने जो किया उसके लिए सॉरी, और मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। तुम मदद करने के लिए नहीं आए और उस चोर को पकड़ने के लिए मुझे 5 घंटे लगे, तुम बहुत बुरे हो। पाको को मनाना आसान नहीं है, पर कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अरे मैं चाहता तो नहीं, लेकिन अब उसे मस्का तो मारना ही पड़ेगा। देखो पाको, मेरी बात सुनो, ये रोना धोना बंद करो। अरे तुम्हारी जैसा कोई नहीं, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारी जैसा कोई नहीं, सच कह रहा हूँ। हड्डियाँ तोड़ दी। ऐसा ही चाहिए। आज के बाद मैं किसी लड़की को मस्का मारने नहीं जाऊंगा। पहले मस्का